हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ कॉर्न कैप्सिकम मसाला और इसे हमने बिना प्याज लहसुन और अदरक के बनाया है। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और ये हल्की मीठी मलाईदार सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आप समझते हैं कि बिना प्याज लहसुन और अदरक के सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार आप इस तरह से चीज़ कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाकर ट्राई करें और मुझे यकीन है आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन लें और उसमें एक चम्मच बटर डाल दें। जैसे ही बटर हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें एक कप चौकोर कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें। इसी के साथ में एक कप कच्चे स्वीट कॉर्न डाल दें। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। इस तरह हाई फ्लेम पर शिमला मिर्च और मक्के के दाने को भूनने से इसमें बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है जो सब्जी के स्वाद को दुगना कर देता है। अब एक ज़रूरी बात, हमें इसे पूरी तरह से पकाना नहीं है। इसे क्रिस्प करने के लिए हमें इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनना है। ये लीजिए, ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं और इसके ऊपर बटर की बढ़िया सी कोटिंग आ चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसे रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ में लगभग 15 काजू लेंगे जिसे मैंने आधा घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगो कर रख दिया था और अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए टमाटर के साथ में इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और इसकी फाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालें और तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दें। अब हम इसमें कुछ करी पत्ते डालेंगे, इसी के साथ में कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दें। अब इस तड़के को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर और काजू की ये पेस्ट डाल देंगे जिसे हमने पीस कर रखा था। अगर आपने पहले कभी इस सब्जी को बनाकर नहीं ट्राई किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। मिक्सर ग्राइंडर जार में 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे भी हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अभी इसमें टमाटर कच्चा है तो इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बीच में 1 से 2 बार ढक्कन खोलकर सब्जी को चला लीजिए। हमने इसमें काजू डाला है तो यह मिश्रण तले में चिपक सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हल्की सी पक चुकी है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, इसी के साथ में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। अब इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 चम्मच और इसी के साथ में नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। सभी मसालों को ग्रेवी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लें। अब हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि सारे मसालों के फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल को छोड़ दिया है, तो इस स्टेज पर हम इसमें स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे ग्रेवी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस सब्जी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। आप पतली या गाढ़ी जैसी सब्जी चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। चलिए एक बार फिर से हम इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। शिमला मिर्च और मक्के के दानों को हमने बटर के साथ में पहले ही थोड़ा सा सॉटे कर लिया था, तो अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये लीजिए, 1 से 2 मिनट के बाद में ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी यहाँ पर पूरी तरह से पक चुकी है। अब इस सब्जी को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। और अगर आपके पास में अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसे सब्जी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आखिरी में हम इसमें डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अभी हमने इस सब्जी में चीज़ नहीं डाला है, तो जब हम सब्जी को गार्निश करेंगे तब हम इसमें खूब सारा चीज़ ऐड करेंगे। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इस गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। आप इस गर्मा गर्म सब्जी को रोटी, पूरी, पराठा, नान या फिर सिर्फ चावल के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। चलिए सब्जी को फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा खूब सारा ग्रेट किया हुआ चीज़। स्वीट कॉर्न और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर बच्चों को ये सब्जी बहुत पसंद आएगी, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए चीज़ को हमने ग्रेट कर दिया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे।
और ये लीजिए बिना प्याज लहसुन और अदरक के हमारी बढ़िया सी चीज कॉर्न कैप्सिकम मसाला सब्जी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।